शादी का इनविटेशन है तो यहाँ पे कुछ रीति रिवाज हैं जो कि हम पूरे करेंगे। नहीं 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 सर, ऐसे को कहाँ से, अभी से जाओ वरमालाएं ले आओ पहले तुम। अभी गोद में उछल के भी बैठ जाता उसका बस चलता। आइए वरमाला, यू नो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेट मी टेल यू ऑन रिकॉर्ड, कुछ दिन पहले खबर आ रही थी राजकुमार की शादी की डेट आ गई है, तो अब आपको पता लगेगा वो डेट कौन सी है। ये एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जोरदार तालियां हो जाए और फिर हम वील यू नो हैव दिस वरमाला का। अच्छा रुको रुको यार, एक पंगा है, ऐसे नहीं हो सकता है, यू हैव सम फ्रेंड्स यहाँ पे। वो दिल्ली वाले मामा जी का बेटा बुरा मान जाएगा, उसको बुला लो, और मौसी का बेटा भी आया उनको भी बुला लो। हैं ये भाई लोग हैं, बाद में जरूर सुनाएंगे। हमारी साइड पे थे। अरे रंजन भैया उनकी साइड पे कैसे पहुंच गए? हाँ दे यार, ये मॉडर्न शादी है, कोई जरूरत नहीं है वो मेरे, आप लड़की नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप आइए, आप भी आ जाइए, आप इनकी साइड से आइए, प्लीज आइए। दीदी दीदी आइए, माता जी आइए। एक तो आपने माता जी बोल के वैसी टैग गलत लगा दिया वहां पे। बस अब ये कभी नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें देखी, ये कभी नहीं हुआ है। शादी में जरूर आना का ये बिल्कुल खास इनविटेशन। एंड यस, पहले कौन बना था? अरे रुको, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? अब इनके लिए हस्बैंड भी ढूंढेंगे हम यहाँ पे। सर मैंने पहले कौन कराता है, कौन पहनाएगा पहले? लड़की लड़की जी यार, वो उठा नहीं पाएंगे वहां पे। हाँ चलो 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 चलो, और ऊपर नहीं, हम खुद ही पहन लेंगे। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करण तत्व, नहीं करना तालियां तालियां तालियां। शादी में जरूर आना उसका, यू नो ये प्रीव्यू तो हमने यहाँ पे दे दिया है। और अच्छा मैंने जैकेट नहीं पहनी है, फोटो आप कर लीजिए जल्दी से ये परिवार के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। मोहतरमा आप तो फुल शादी की फील में आ गई, मतलब अभी कंगना उंगना खिला के रहोगी है। चलिए ओनली दुल्हा दुल्हन, थैंक यू सो मच रिश्तेदार दीदी भैयास। Thank you so much. And with your kind permission, after this fantabulous Varmala ceremony, ladies and gentlemen, aage ka karyakram karwaye. So let's take a look at the trailer. We'll take a look at the trailer now. You can take the Varmalas with you. Thank you so much, Kriti, Rajkumar. Thank you so much. And Rajkumar ke liye main itna hi kahunga, you know, adjectives hote hain acche acche, lekin inke liye keh sakte hain Rajkumar Rao, talent and beyond. Aapko to sir tagline milni chahiye, you know. Zordar taaliyan for him. And congratulations, अब मुझे मौका मिला है यहाँ मैं दे दूँ आपको congratulations, you know, जिस हिसाब से इस पूरे साल आपने धमाल मचाया। And officially, ऐसा ऑफ स्क्रीन लोग बोलते हैं, रियल लाइफ में लोग बोलते हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ये रियल लाइफ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो गए हैं जिस तरह से इन्होंने फिल्में की हैं। जोरदार तालियां हो जाए राजकुमार के लिए यहाँ पे। And this is the entire कमाल की टीम, we'll start with the captain of the ship यहाँ पे। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, डेब्यू किया है इस फिल्म के साथ, वाई दिस सब्जेक्ट शादी, और मतलब क्यों? It's more about education. Hmm. You know, we educate our daughters, yeah. But what really do you do with that education? Hmm. So post marriage, how much is it in her hands
to use that education. Right. So that is the basic premise of the film. देखो यहाँ पे सब लोग जानना चाह रहे हैं, मैंने अच्छा सवाल पूछ लिया था, बड़ा वनीला टाइप का. अब मुझे बताओ, अच्छी खासी कहानी चल रही थी, हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे, वो ट्विस्ट क्या है? What is this? देखो जाके ना, इधर क्यों बताऊं? अच्छा खासा एंजॉय, मैं तो खुद हो गया था, ये ऐसे ही हमारे साथ हो जाता, उसके बाद छम से टूट गया सपना. मुकुट साहब, दिस इज फॉर यू. दीपक साहब, आपके लिए सवाल है, यू ऑलवेज बैक्ड सम अमेजिंग फिल्म्स, यू नो, तो यहाँ पे क्या था, what was the reason to back this film? Was it the star cast? Was it the script? या ट्रेंड है कि ठीक है यार, you know, ऐसा कुछ शादी टाइप की फिल्म बन रही है. It is about, hello? Yeah. Yeah, it is about a content basically which I liked. जी. So that is why I backed this film. Right. And since I'm from Rajasthan and I've seen the marriages since childhood. जी. So एक होता है ना कि एक emotional sentiments शादी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक आई बैक द फिल्म. एंड वी जस्ट लव्ड द ट्रेलर सर. थैंक यू सो मच, आपको भी और आप दोनों को यहाँ पे शुक्रिया. आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले क्या था, पेरेंट्स डिसाइड करते थे अब बच्चों के लिए. हाँ. आज बच्चे खुद अपने आप में डिसाइड करते हैं. और मैं उसमें एक ही बात बोलता हूँ, एंटरटेनमेंट. राइट. दिस द मस्ट. राइट. इन आवर फिल्म. राइट. और सर कुछ केसेस में तो बच्चे पेरेंट्स के लिए भी डिसाइड कर देते हैं, इससे कर लो आप, तो आप ऐसा भी हो जाता है. सॉरी, भगवान ना करे कोई यहाँ करे किसी के लिए. बच्चन साहब, दिस वंस फॉर यू. यू ऑलवेज यू नो प्रोड्यूस्ड मेड दीज फिल्म्स जो कि धरती से बड़ी जुड़ी होती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो हम रिलेट कर लेते हैं, यार ये ना हमारे साथ भी हो सकता था. तो इसमें खुद कितनी बार ऐसा हुआ है कि झूठे कपों से चाय पी है, बता दो आज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट थैंक टू कलीम भाई जी, जो ये मेरे पास स्क्रिप्ट को लेके आए, और जिस दिन मैंने स्क्रिप्ट सुनी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया फ्रंट ऑफ रत्ना जी कि आई एम मेकिंग दिस फिल्म. लास्ट दो साल से स्क्रिप्ट पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी, कोई किसी ने इसको बैक नहीं किया, बट जैसे ही मैंने कहानी सुनी मैंने बोला आई वॉन्ट डू दिस फिल्म. क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं वो हमारी कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले गली की कहानियाँ रही हैं. हमारा बचपन भी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में रहा है, तो जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है वो इसी तरह की माहौल में रही है. तो हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं जो भी फिल्म बनाऊँ कम से कम पहले मुझे अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप में कॉमन मैन देखता हूँ, उसी तरह की फिल्मों की स्क्रिप्ट को चूज करता हूँ जो सबके कॉमन मैन को अच्छी लगे. दैट्स व्हाई आई चूज दिस स्क्रिप्ट. अमेजिंग अमेजिंग. कब कितने झूठे किए ये बताओ मेरे को. बहुत सारी बार, बहुत बार, बहुत बार. अर्धांगिनी आई है ना, अभी देखो लपेटे में आओगे आप इसके बाद. मजा आएगा. बहुत मजा आएगा. कलीम सर, आप प्लीज बताएं, शादी में लोग आते हैं, यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना वगैरह. लोग कहते हैं भाई खाना देखिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. यहाँ पे इस फिल्म की मेकिंग के दौरान या पूरे प्रोसेस के दौरान व्हाट वाज दैट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिसका ध्यान रखा गया है? द डायरेक्टर. रियली? द डायरेक्टर, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज कैप्टन ऑफ द शिप एंड इट्स ऑल हर वर्क एंड ऑल हर effort and hard work. Wow, that's a superb jawab, ladies and gentlemen. And now moving over to Var and Vadhu, aap dono se ye sawal hai, mujhe bata do kab pata lage, thoda hum bhi seekh le, kab pata lage ki yaar wo ladka ya ladki hai na, the person is you know actually falling for you. Kaun kaun se aise signs lagte hain? Jis din wo aapko apna cup peene ki anumati de de ki aap mere cup se coffee pee sakte hain, sorry coffee pee sakte hain, us din samajh aana chahiye ki ha shayad baat ban sakti hai. Right. For you, I think No, not the cup. There's so many more moments in the film that I want to talk about, but please. I cannot. I mean, that'll give away a lot of the movie. I don't want to do that. But having said that, I think jab कोई आपकी तरफ ऐसे देखे जिस तरह सत्तू आरती को देखता है, you just know that it's true love and it's meant to be. यहाँ पे जितनी आंखें हैं ना सबको वैसी, आपको वैसी देख रही हैं. अभी क्या करें? और अभी यहाँ बाहर भी सब लोग बहुत लोगों को ऐसी देख रहे थे, तो क्या करें? बताओ. प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो? मुझे सत्तू से आगे कुछ दिखता ही नहीं है. तो अभी बगल में खड़ा है, सामने देख रही है, जो भी देख रही है. जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस अमेजिंग टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन. सर पहले मुबारकबाद, बड़ा अच्छा सा ट्रेलर है और देखने में मजा आया. ये फिल्म कब आपने साइन की थी राजकुमार सर? और ये मुझे भी याद नहीं कब साइन की थी. पर हाँ, मैं लास्ट ईयर जो था वो सिर्फ अलीगढ़ वॉज द ओनली फिल्म दैट रिलीज, तो उसमें लास्ट ईयर पूरा शूट ही कर रहा था, तो उसी दौरान इन्हों बरेली और ट्रैप्ड और शादी में जुड़ना, ये सब फिल्म्स मैंने शूट की. तो हाँ, उसी पर मैं एक वक्त में एक ही फिल्म करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ फिल्म में थोड़ा अलग लुक भी रहे. तो ये भी आई थिंक कब हमने की थी, नवंबर अक्टूबर? ओके हाँ, तो तभी की थी. मैं आज सोचा था कि आप लोग अगर कहानी पूछेंगे तो मैं कहीं कन्फ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं कि कुछ और ना बोलने लग जाऊँ कि हाँ एक लड़के की कहानी है जो बिल्डिंग में फंस जाता है. और अरे नहीं, ये बोली नहीं है ये कुछ. अच्छा, शादी में जरूर आना की बात कर रहे हैं. एक खास तरीके का लहजा भी है आपका इस फिल्म में, तो उससे किस तरीके से आपने थोड़ा वो बताएं.
वो यूपी तो क्योंकि मैंने बरेली की है, उसके पहले बहनों की तेरी है, ये भी यूपी बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा अलग एक्सेंट है। बरेली में बहुत हार्डकोर था और बहनों की तेरी में भी एक अलग, एक थोड़ा सिटी का एक्सेंट था। ये जो है एक कानपुर लखनऊ का एक एक्सेंट है, और जैसे आपने देखा कैरेक्टर चेंज भी होता है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका एक बहुत ही फिर एक मॉडर्न सिटी का जो एक लैंग्वेज होता है, एक बोलने का तरीका होता है, सो दैट इज़ देयर। ये कैरेक्टर पे किसने रिसर्च किया, आपने खुद उसमें इनपुट दिए कि मैं दो तरीके से यूं दिखूंगा, थोड़ा वो? नहीं, वो राइटिंग में था, वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था, बट ये है कि ऑफकोर्स जो कैरेक्टर था सेकेंड हाफ का, ही समबडी हु इज इन लाइक इन सिविल सर्विसेज, तो मैं काफ़ी लोगों से मिला, मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी जो सिविल सर्विसेज में हैं, उनसे मैंने बातचीत की, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी होती है सिविल सर्विसेज के लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैंने उनके थ्रू जाना कि हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द ड्यूटीज दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ, तो उनके थ्रू मैंने काफ़ी अपनी रिसर्च पे हेल्प ली। कृति, कभी ऐसा वाकया हुआ किसी ने आपसे जिक्र किया मुझे कॉफ़ी पीनी है आपके कप से? काश, आई मीन जब आप नहीं, बट दैट्स आई थिंक वो एक अलग ही रीज़न था, जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, इतने प्यार से लिखा हुआ था, और जिस तरह से रत्ना मैम ने ये नरेट करके मुझे बताया था, मुझे जेन्यूनली सत्तू और आरती से प्यार हो गया था, तो फॉर मी इट वॉज, मैंने कहा रियल लाइफ में तो होने से रहा, ऐसे ही कर लेते हैं। अरे बहुत लोग हैं, तुम बोलो एक बार, सब कॉफी खरीद लेंगे। राजकुमार, कॉफी की दिस साइड, शी रेज हर हैंड, यू इंटरेस्टेड? यस, या लेट्स डू इट, बट अ क्वेश्चन फर्स्ट, इन क्वीन यू लेफ्ट कंगना व्हाइल जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड, एंड हियर यू विजय लेफ्ट रानी, नॉट राज लेफ्ट कंगना, बट दिस टाइम यू आर द वन हु हैज बीन लेफ्ट एट द अल्टर, सो हाउ डज इट फील? मैन कर्मा, मैन इट कम्स बैक, बाइट्स यू लाइक अ बिच, कर्मा इज द, या ट्रस्ट मी इट कम्स बैक। राजकुमार, कॉफी की बात चल रही है, हमने देखा, सॉरी आई थिंक शी वाज अबाउट टू, सो हाउ डज इट फील टू बी लेफ्ट एट द अल्टर आफ्टर लीविंग कर्मा? या एज आई सेड, यू नो, कर्मा कम्स बैक, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस लेसन एज वेल, बट आई थिंक दैट्स द फन ऑफ बीइंग एन एक्टर, यू नो, यू गेट टू प्ले सो मेनी इमोशंस, सो मेनी इमोशनल जर्नीज इन योर कैरेक्टर, व्हिच आई थिंक व्हिच इज द फन राइट फॉर बीइंग एन एक्टर। रत्ना, या सेम यस, Hi, you're a first-time director, debutant director, and a female director, which we don't get to see a lot in the industry. It's a very rare phenomenon. So as a first-time debutant female director, did you ever feel, ever have a chance where somebody made you feel like a female director, you know, like an inferior part of it when you were starting? Ever had that? I made everybody else feel inferior. Nobody who made me feel That's the reason she survived and she's here. राजकुमार, मेरा सवाल आपसे, या वी कॉल अ गब्बर ऑन सेट, कॉल अ गब्बर ऑन सेट। कॉफी की बहुत बात चल रही है, कॉफी की काफी बात हो चुकी है, हमने देखा ऑन स्क्रीन कॉफी एक्सचेंज हो रहा है रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कॉफी एक्सचेंज हुआ है या नहीं अब तक, और हुआ है तो कब हुआ है? कॉफी तो बहुत पीछे रह गई है। बहुत कुछ एक्सचेंज, अरे मतलब 32 साल के हो गए अभी भी कॉफी एक्सचेंज करते रहेंगे? बट आई थिंक दीस आर वेरी क्यूट मोमेंट्स, और ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो स्पेशली छोटे शहरों में बहुत मिलते हैं, यू नो, और हमारा हिंदुस्तान छोटे शहरों में ही बसता है, तो मैंने भी जब, यू नो, व्हेन आई वाज लाइक ग्रोइंग अप इन गुड़गांव, आई वाज इन माय स्कूल, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड और कॉलेज, तो हम लोग के लिए भी बहुत सारे ऐसे बहुत क्यूट मोमेंट्स होते थे, जहाँ पे अगर चलते चलते अगर हल्की सी उंगली भी टच हो जाए तो मतलब आपका एक हफ्ता बहुत आराम से निकल जाएगा कि आज मैंने उंगली टच कर ली है, हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। आपकी पिछली जितनी भी फिल्में हैं, कहीं ना कहीं शादी उसमें ज़रूर रहा है, तो डू यू बिलीव इन अरेंज मैरिज? I totally believe in arranged marriage. I think each to his own. ऐसा कुछ नहीं है. I think मेरे parents के arranged marriage हुई थी और वो लोग बहुत खुश रहे हमेशा. But I think एक freedom होना चाहिए. किसी को force नहीं करना चाहिए arranged marriage के लिए. If you like somebody, if you feel that there's that compatibility, you share, then definitely. But I think everybody has a freedom to choose their own partners. Yeah. आप कब कर रहे हैं? फिल्मों में इतनी शादियाँ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, time ही नहीं मिल रहा है शादी करने का. तो already. और बहुत मतलब शादी इज सच अ बिग फेस्टिवल ना, इट्स लाइक मेकिंग 3 फिल्म्स, नॉट इवन 1, सो बहुत बहुत काम है, उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा राजकुमार, हमेशा जब भी किसी एक्टर को अपनी मदर टंग की फिल्म मिलती है, अपनी भाषा की फिल्म मिलती है, तो बड़ा खुश होता है। आप भी हरियाणा से हैं, लेकिन जब भी आपको रोल मिला तो पूरा वो भाषा का आपने प्रयोग नहीं किया, किस लिए? मतलब ऊपर से डायरेक्टर का कुछ होता है कि नहीं नहीं उतना ही बोलो या ये बोलो? नहीं सर, ये हरियाणा की फिल्म नहीं है, दिस फिल्म इज बेस्ड इन यूपी। ये नहीं है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल मतलब ये। नहीं, मैंने किया हमेशा जितना मैं कर सकता हूँ, सिटी लाइट्स में राजस्थानी जितनी कर सकता था, कायपोछे में गुजराती, बट ये भी हम एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं, तो अगर मैं एकदम ही उसको लाइक आई वुड लव टू ऑफकोर्स बी टोटली इन द लैंग्वेज,
पर ये कि बहुत लोगों पर समझ नहीं आएगी सर, ये एक थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है. तो ऑफ कोर्स आई ट्राई एंड पिक अप द एक्सेंट जितना मैं कर सकता हूँ कि शायद कि वो जबान भी लगे उस प्रांत की, पर लोगों को, लोगों तक पहुंचे भी, लोगों को समझ भी आए. इट्स नॉट अ रीजनल फिल्म. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, जैसा कि अभी बोला था कि आप एक मात्र ऐसे एक्टर हो गए जो बेचारे बैचलर लास्ट तक लगे रहते हैं, तो क्या कारण है? आपको नहीं लगता कि टाइप होने का डर है कि भाई वो बैचलर लेना है तो राजकुमार को ले लो? सर बहुत अच्छी बात है, आई वुड लव टू प्ले बैचलर्स ऑल माई लाइफ, मतलब मुझे कोई उसमें कोई शिकायत नहीं है. कीर्ति अनम हियर. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद राजकुमार? ठीक था. I mean, it was okay. I love this boy. He has been an amazing co-star. I think Raj ke saath kaam karke ek alag tarah ki ek satisfaction mili hai mujhe. And I'm very grateful ke hume chuna gaya Sattu aur Aarti play karne ke liye. I couldn't have asked for a better co-actor. हाय राजकुमार, भावना देसाई फ्रॉम जी. इस साल आपकी जिस तरीके की फिल्म आई है, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स ने आपकी तारीफें की है, वरुण धवन, इरफान खान, काफ़ी लोगों ने आपके काम को सराहा है. कौन सी एक फिल्म या कौन से एक एक्टर का काम आपको पसंद आया? मैंने मुक्ति भवन देखी, मुझे उसमें आदिल सर का काम बहुत अच्छा लगा. मुझे हिंदी मीडियम में इरफान सर और दीपक दोनों का काम बहुत अच्छा लगा. और भी काफ़ी फिल्म्स हैं पर अभी इस वक्त मुझे फिलहाल यही दो याद आ रही हैं. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पद्मावती. आई थिंक जो जिस तरह ट्रेलर आया है और जो यू नो कास्ट दिख रही है, परफॉर्मेंस दिख रही है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ऑल्सो आपने बहुत सारी शादी वाली फिल्में की हैं, पर इस फिल्म में आप दोनों का एक डांस नंबर भी है जिसमें आपको मौका मिला अपने डांसिंग स्किल्स दिखाने का. रियल लाइफ में आप डांस कितना इन्जॉय करते हैं और शादी में आपका कौन सा फेवरेट डांस स्टेप होता है यूजुअली? आई टोटली लव डांसिंग, मतलब मैं, मुझे बहुत कम मौका मिलता है, बट माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज एक्चुअली स्टार्टेड विद डांसिंग. आई हैव ऑलवेज बीन अ डांसर, बट the day acting, you know, I chose to be an actor, wo dance ne thoda ek back foot le liya tha. But whenever I get an opportunity, I totally enjoy it. I have no qualms or no complaints dancing on screen. Aur shaadi ka I want to add to that. Jab hum log shoot kar rahe the to Raj jo bade hi rangin aadmi hai unko dancing ka genuinely bada shauk hai, to ek meri van mein na hamesha disco party chalti rahi. I have a huge girl gang, my entire team and Ratna ma'am. So एक दिन शूट चल रहा था एंड आई हैव कॉल्ड रत्ना मैम, आई हैव पैनिक्ड एंड सर आप मेरी वैन में आओ अभी के अभी. क्या हो गया, क्यों रो रही है? आई वाज प्रिटेंडिंग टू क्राई ऑब्वियसली. शी कम्स इन एंड दिस ब्लेरिंग म्यूजिक, इट्स 10 इन द नाइट, आई एम लाइक आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू डांस. देन वी कॉल राज, चल आ जा, एंड वी हैव डांस टू चने के खेत में चोली के पीछे क्या है लाइक एंड आई थिंक टुडे फॉर देम यू हैव टू डू द सत्तू स्टेप. Come on. Yeah, so though I'm a like I can dance, but in the film the character Sattu he doesn't dance. Usko beats ka koi idea hi nahi hai. So there are so many scenes in the film jahan pe ye bahut acha dance karti hai Aarti aur is Sattu ko bhi kheench lati hai ki Sattu dance karo aur Sattu bechara bas apna kuch 1 2 3 go. No, the other one. Wo ekdam ghati barati dance karta rehta hai. So that's the Sattu step in the movie. So how is it working with the world's most beautiful woman, Aishwarya Rai? I still have to start working with her, though we've had her workshops and reading sessions. But I've started working with Anil sir, and it's a great experience, sir. It's a beautiful script. There's a wonderful vibe around the whole film, and I'm thoroughly enjoying the experience. What about the chemistry that we will get to see between you and Aishwarya? I think it will be H2SO plus C2 plus. Also, what is that's the kind a of very bad with that really the formula? I'm sure, like there'll be there's a love angle between us, and I'm really looking forward to it. Though I'm a little nervous and excited as well, because you know you have to romance world's most beautiful woman, but it will come very naturally, I'm sure. Also, what is the kind of preparation that you're doing for Oscars? So yeah, we have a plan in place, and we'll be going to US to promote it. And it's a battle. It's a big fight. It's not an easy task. So, but we have a plan in place. We'll share it with you. A battle ensued here as well when allegations cropped up of it being a copy of the film, the Iranian film. But it died down, sir. The ballot producer. Sir, anchor, sir, wait a minute. My question is, Anurag stuck his neck out for you. What were your feelings like when it was happening? I knew it's all just plain stupid. Whoever started it, I don't know the reason why they started it. But thanks to Anurag sir, I know, I think it's his love for cinema and his love for me and for the film probably that he did this. But really thanks to him. Otherwise, you know, like how it is. People would have just assumed and presumed that, yeah, it is a copy. Because once somebody starts something, it's a herd mentality. Everybody's like, no, it is a copy. It's not. The ballot's producer has given a statement that, no, it's not a copy at all.
अब ये सुन के तो शादी में जरूर आना राजकुमार हाँ। और बारात में डांस भी करना है मेरे question. कौन है ये आप डिसाइड कर लो सब पूछो आओ आप शादी में आएंगी जरूर पूछिए सो माय क्वेश्चन इज कि इससे पहले आपकी सारी मूवी हिट्स रही है तो व्हाट वाज द वन रीजन मेन रीजन टू डू दिस मूवी कंटेंट जैसा कि सर ने बोला इसका जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रांग है इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी स्क्रिप्ट है और एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत कुछ था करने को यू नो जैसा आपने देखा वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बहुत डिफरेंट है हालांकि बरेली में भी बहुत डिफरेंट था बट दिस इज इवन डिफरेंट देन बरेली एंड ऑफ कोर्स कृति खरबंदा द मेन रीजन या एंड रत्ना सिन्हा जी द अनदर मेन रीजन ओके एंड विनोद एंड द होल टीम एंड फॉर द लव ऑफ फॉर सिनेमा No, but the content, I think the script was so beautiful. I read it and I just fell in love with the script. I thought this is something which I should definitely try. Wow, that was superb. Thank you so much, ladies and gentlemen. Just one last thing. I would also like to highlight yahan pe jo humne gaane ka clip thoda sa suna hai. That is awesomeness. Aur music iska, I'm sure, bahut kamal hone wala hai. Isme barati dance hoga, nahi hoga? Bahut, isme... मतलब बाराती डांस बहुत भर भर के एक पूरा सीक्वेंस है बारात का जहाँ पे आप सबको लगेगा कि ये तो मेरी गली की बारात है अच्छा। ऐसी तो नाचते हैं हम बस यही पूछना चाहिए नाचे हम लोग हाँ जी फाड़ू नाचे फाड़ू हैशटैग फाड़ू नाच जस्ट वन क्वेश्चन हाय विल जस्ट टेक इट सॉरी निकिता अगेन फ्रॉम फ्री प्रेस वन रिगार्डिंग द ऑस्कर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर न्यूटन देयर वर प्रियंका केम आउट एंड सेड यू नो मे बी शी कुड हैव डन अ बेटर जॉब इफ वेंटिलेटर वाज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स Do you think that you can match up to what she could probably do for ventilator? Do you think you can do the PR better than her? First of all, I don't know if she has said that. And second, I don't know if I can match up to her because she is an international star. I really respect her and love her. But we'll try our best. Let's see. We'll try and make our country proud. Thank you so much, ma'am. है ना भाई लेके आना है और हमने तो शादी में जरूर आना है ना जोरदार तालियां हो जाए वापस से शादी में जरूर आना कि इस कमाल की टीम के लिए. And yes, it's time for a quick photo op without the chairs. Yes, sir.